पार्टी के अंदरूनी लोगों की तो कहीं भूमिका नहीं रही है। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा जब हम मैं पार्टी के और सरकार के भविष्य में जा रहा था यही होता कि क्योंकि जो दो ध्रुव हैं तीन में से दो तो इलेक्शन हार गए हैं इस बार, तो उसका कितना फॉलोआउट होने वाला है। हम मध्य प्रदेश में हमने 15 साल बाद एक दूसरी पार्टी की सरकार देखी कांग्रेस की, कमलनाथ जो की मैनेजर है बीजेपी कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, वो सरकार चला रहे हैं। ऐसा लगातार कहा जा रहा है, बीजेपी अपने स्टेटमेंट दे चुकी है कि ये सरकार, कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं कि 22 दिन नतीजे के बाद ये सरकार नहीं टिकेगी, और कितना सही साबित हो सकता है कैलाश विजयवर्गीय? देखिए, पूरी संभावना है इसकी कि ये ऐसा हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग जो हैं वो बीजेपी के लोगों के नेताओं के संपर्क में है। अच्छा, चार जो विधायक आपके जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो ऑलरेडी नाराज हैं, उनमें से कुछ मंत्री नाराज हैं, उन्होंने दावा किया था सारी चीज। अब कमलनाथ इसमें किस तरह चीज को मैनेज कर पाते हैं और कब तक मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए अगर केंद्र सरकार और बीजेपी आला कमान अगर ये सोच लेगा कि मध्य प्रदेश सरकार गिरानी है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्थिति में कमलनाथ जो है वो इस सरकार को बचाने में सफल होंगे। अब ये स्ट्रेटेजिकली क्या स्थिति बनती है, कितने दिनों में ये निर्णय होता है, ये एक बड़ी चीज है। या कमलनाथ अपना स्टेटमेंट दे भी चुके हैं कि उनके 10 विधायकों को कम से कम पैसे और पद का, 25 लोग कम से कम इस समय, आप 25 बता रहे हैं? 25 बता रहा हूँ, 25 लोग कांग्रेस के निर्दलीयों सहित 25 लोग जो है वो इनके संपर्क में है, जिनको की तोड़ा जा सकता है। अच्छा, और ये भाजपा के उसमें अंदर खाने में बात बड़ी खुल के ये की जा रही है कि 20-25 लोग हैं हमारे पास, भाजपा के कुछ बड़े नेताओं से बात होगी, 25 लोग से हमारे संपर्क में है, हम जब चाहेंगे इसको कर सकते हैं, ये चीजें वो हो सकती है। तो ये कमला सरकार पे निश्चित तौर पर जो है वो इस समय खतरे के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। एक जो बड़ा वो रहा है कि जो आयकर छापे डले थे वो सब सारा, एक जो पूरा हुआ था, अनुशंसा भी हो गई सीबीआई की जांच, वो एक बड़ा मामला रहेगा, क्योंकि जो कांग्रेस के लोग हैं वहाँ वो भी इस बात को मान रहे हैं कि अगर चुनाव के पहले तक, रिजल्ट आने के पहले तक कहता कि अगर केंद्र में मोदी की और अमित शाह की सरकार के वापस आती है, इन लोगों की अगर ये वापस आते हैं केंद्र में, अगर आएंगे तो इससे कमलनाथ सरकार को और उन सारे लोगों को परेशानी होगी। कमलनाथ की परेशानी कितना कंपाउंड होती है इस बात से कि अब सिंधिया नाराज होंगे और दिग्विजय सिंह भी नाराज होंगे, क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं। सीएम पे मतलब एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की तो आती है कि प्रशासन आपका, पुलिस आपके लोग, देखिए बात हुई कि प्रशासन पुलिस ने तो भरपूर मदद की, लोग जो थे इनके उन्होंने कितना काम किया वहां पे, किस गुट के किसने लोगों ने बात काम किया। प्रशासन पुलिस क्या कर लेगी, प्रशासन पुलिस मतलब आपका बूथ तो नहीं मैनेज करवा सकती ना। नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि एक जो पार्टी सत्ता में होती है उसको एक एज माना जाता है कि क्योंकि लोग आपके पास में, पूरा मशीनरी आपकी है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो एज ही होता है, वो मतलब ये नहीं होता कि वो नतीजे नहीं बदल रहे। बड़ा वोट बैंक आपके सामने, आपके खिलाफ गया है कि आप मैनेज नहीं, ये सब चीज कुछ नहीं, आप ये समझिए आपके कागज पे जो आंकड़े हैं, 4 लाख 4.5 लाख 1.5 लाख की लीड से अगर कोई चुनाव हार रहा है ना, मतलब कुछ 1.5 लाख की लीड खा रहा है, कोई 4.5 लाख की लीड खा रहा है, वैसी स्थिति में मतलब प्रशासन पुलिस वगैरह का आपके ऊपर नाराजगी तब निकलती है जब आपका 20,000-30,000 के मार्जिन से चुनाव इधर उधर पलट जाता है। एक शिकायत तो कमलनाथ की भी होगी कि बाकी सीट में इसलिए हारा क्योंकि सिंधिया बाकी जगह नहीं गए, दिग्विजय बाकी जगह नहीं गए, अपने संसदीय क्षेत्रों को छोड़कर के बाहर मेरे ख्याल प्रचार नहीं किया, नहीं कुछ एक जगह गए, पर ऐसा मास हमने उनकी कैंपेन रैली नहीं देखी। दोनों नेता अपनी अपनी सीटों पर फंसे हुए थे, सिंधिया चूंकि यूपी में फंसे हुए थे और फिर अपने खुद की सीट को लेकर फंसे हुए थे, वैसे ही दिग्विजय सिंह भी अपनी सीट को लेकर, दिग्विजय सिंह की स्थिति ये थी कि राधा को वो वोट डालने तक नहीं जा पाए थे, मतलब वो इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर था, और उसी समय समझ में आ रहा था जिस तरीके से भोपाल में वोटिंग परसेंटेज हाई हुआ था वो कहीं लग रहा है एक डर उनके भीतर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है कहीं ना कहीं डर था कि ये इतना ज्यादा वोटिंग जो है ये हमारे फेवर में तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कोई ऐसे काम किए नहीं इसका इस तरह हमारे फेवर में वोटिंग, क्योंकि मॉडरेट वोटिंग होती है भोपाल में 50-55-60 इस तरह की, 60 मैक्सिमम वोटिंग, 60 से ज्यादा वोटिंग हुई नहीं कभी भोपाल में, तो ये बहुत बड़ी वोटिंग। दूसरे जो आपने बहुत मार्के की बात कही, मतलब मैं ये देखा हूँ कि पूरे इलाके में, मैंने जब अजय सिंह राहुल से पूछा कि क्या आपके यहाँ पे कोई बड़े नेता आ रहे हैं, कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है, तो वो बड़ा खिसिया के मतलब वो सब होता है ना कि नहीं मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर, अकेला ही चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा है, तो अभी मेरे को ही करना है जो करना है टाइप वाला। तो मैंने उनसे पूछा क्या राहुल गांधी की सभा होगी क्या इस इलाके में, तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मेरे को ये लगा नहीं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है दम लगा के। सर तो बोल रहे हैं कि बहुत दम लगा के उन्होंने चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मेरे को पूरा एरिया खाली लगा, जैसा ऐसे लगा कि खुला मैदान छोड़ दिया गया हो और आइए आप कब्जा कर लीजिए टाइप वाला। नहीं, कमलनाथ खुद व्यक्तिगत तौर पर लगे हुए थे लगभग सारी सीटों पर, क्योंकि उनके लिए भी ये बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल था, और जहां तक 3-4 जो प्रत्याशियों को मैं जानता हूं मालवा के, खासकर वो रोज उनसे रात को फोन पे बात होती थी, मंत्रियों को कहते थे कि मैं अगर आपके यहाँ अगर पार्टी जीती नहीं, आपके विधानसभा नहीं जीती है, तो आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपको मंत्री पद छोड़ना पड़े।